महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ बिहार में आरजेडी ने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने साथ मिलकर प्रतिरोध मार्च निकाला है। राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के प्रतिरोध मार्च बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान तेज प्रताप ने प्रतिरोध मार्च अभियान में खुद बस चलाई। वहीं तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप के बगल वाली सीट पर बैठे नजर आए। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये प्रतिरोध मार्च महंगाई के खिलाफ निकाला गया है। वर्तमान समय में पूरा देश महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से परेशान है। संवैधानिक संस्थानों को खिलौना बनाया जा रहा है। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से किसान परेशान हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज जनता के बीच हम आए हैं, जिस पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई और विरोधी दलों के नेताओं पर ईडी और सीबीआई के लगातार छापों के खिलाफ आरजेडी महागठबंधन बिहार में ये मार्च निकाल रहा है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव रोड शो के दौरान सरकार की नीतियों का विरोध किया। तेजस्वी यादव ने रोड शो के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या के साथ साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की भी मांग की। पूरा देश परेशान है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से, और जितना इन लोगों की संवैधानिक संस्थाएं हैं जो खिलौना बना रखा है, इससे सभी लोग परेशान हैं। खास तौर पे बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से किसान परेशान है। तो तमाम ऐसे जन सरकार के जो मुद्दे हैं, इसको लेकर के आज हम लोग जनता के बीच आए हैं।